आज कैबिनेट में 34 बिंदुओं पर चर्चा हुई है और कुछ जो नियमावली वाले हैं, कुछ जो जो रेगुलर होते हैं उसको नहीं हम लोग लेंगे, एक समय लगेगा, तो उसका तो प्रेस नोट आपको अभी मिल जाएगा, तुरंत हम लोगों ने तैयारी भी कर दी है, मगर कुछ विशेष जो है उन पे मैं कुछ टिप्पणी करूंगा, फिर हमारे मित्र श्रीकांत जी भी कर लेंगे। तो दो बिंदु जो हैं वो शुगर मतलब चीनी मिल से संबंधित है, और पहला वाला जो है वो मझोला का है, चीनी मिल का जो पीलीभीत में है, और दूसरा है रसरा बलिया में। इनको अब नई सिरे से, क्योंकि पहले इन दोनों की बिडिंग करवाई थी मगर बिडिंग में जिस प्रकार से जो बिड लानी थी वो आई नहीं थी, तो अब इसको इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट के बेसिस में लेकर आ रहे हैं, जिसका मतलब कि चीनी भी मिल भी होगी, इसके अंदर कोजेन जनरेशन भी होएगा और साथ ही साथ इसके अंदर जो डिस्टिलरी भी है उसको भी बिट किया जाएगा। तो ये इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके अंदर ये तीनों चीजें रहेंगी, तो ये दोनों जगह का ये किया गया है। पहले वाले में और दूसरे वाले में जो निवेश होगा वो 400 करोड़ का होगा, 30 साल की लीज पे होगा और हर 10 साल पे इसका जो लीज रेंट होता है उसको रिवाइज करेंगे, वहां पे जो सर्कल रेट उस समय का होगा उसके आधार पर। ये पांचवा जो ऐसे बिंदु तो पांचवा है मगर मैं इसको ले रहा हूं, इसमें ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी 8 मार्च को इसका शिलान्यास करने वाले हैं। ये जो दिल्ली के अंदर एनसीआर है उसमें एक फंक्शनल प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट बना था, जो 2032 तक की उसकी स्टडी की थी, मतलब 2032 तक की जो ट्रैफिक होगा उसकी स्टडी करी थी। इसके अंदर 8 कॉरिडोर्स हैं मगर उत्तर प्रदेश से संबंधित जो कॉरिडोर है वो आपका दिल्ली गाजियाबाद और मेरठ आता है, और इसे रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। ये तेज गति पे चलेगी ट्रेनें और ऊपर जो आपके बीम्स होते हैं उसके ऊपर प्लेटफॉर्म्स पे चलेंगी। स्पीड 180 किलोमीटर होती है मगर एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर की होगी इस पे, और ये जो कॉरिडोर है इसके अंदर 30,668 करोड़ का इसमें जो खर्चा लगेगा, और इसमें मिक्स फंडिंग होगी, भारत सरकार कुछ देगी, राज्य सरकार कुछ देगी, उत्तर प्रदेश सरकार देगी, दिल्ली सरकार भी देगी, और कुछ जो है वो पैसा ऋण के माध्यम से उठाया जाएगा। तो इस प्रकार से ये चार माध्यम से इसका जो 30,600 करोड़ का जो लागत है उसकी फंडिंग की जाएगी, और ये जो डिस्टेंस है वो 82.50 किलोमीटर का होगा। ये भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, जिसमें मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायकों के लिए प्रोत्साहन योजना है, मगर ये परफॉर्मेंस बेस्ड है, इसको लिंक किया गया है, और इसके अंदर उन लोगों को जो प्रोत्साहन नीति है अलग अलग श्रेणी में मिलेगा, जिस प्रकार से वो पुष्टाहार में लगी रहती हैं, जो कार्यक्रम चलते हैं, बच्चों के स्वास्थ्य के कार्यक्रम चलते रहते हैं, तो इस तरह के जो कार्यक्रम है उसमें ये प्रोत्साहन दिया जाएगा, मगर प्रोत्साहन की एक सीमा भी तय कर दी गई है। तो जो प्रोत्साहन है आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए वो 1,500 रुपये प्रति माह होएगा,
फिर इसके बाद मिनी आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ताएं होंगी उनको 1250 और सहायिका के रूप में जो काम कर रही हैं उनका जो प्रति माह जो प्रोत्साहन धनराशि जो प्राप्त कर सकते हैं वो 750 होगी। उत्तर प्रदेश के अंदर ये प्रयास हो रहा है कि पर्यावरण को देखते हुए जो बड़े शहर हैं उसके अंदर जो एनवायरनमेंट है उसको और अच्छा बनाया जाए और इसके लिए कुछ शहर चुने गए हैं जहां पर इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। ये इसमें लखनऊ है, प्रयागराज है, आगरा है, गाजियाबाद है, कानपुर है, गोरखपुर है, वाराणसी है, शाहजहांपुर है और विशेष रूप से मथुरा को भी इसमें रखा गया है। मथुरा और वृंदावन को भी इसमें जोड़ा गया है और इसमें जो बसें हैं वो 580 बस पहले चरण में इसको लेकर आ रहे हैं और इसमें जो लागत है उसमें उसका 493 करोड़ होगी। ये अभी अनुमानित है मगर 493 करोड़ की है और इसे ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पे चलाएंगे जिसका ग्रॉस कॉन्ट्रैक्ट होता है एक प्रक्रिया है जिसमें पीपीपी मोड है उस पर ये चलाया जाएगा। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए।